हमारे पास चाहे कितना ही पैसा हो, कितना ही धन हो, हमारी पेट को और हमारी आंतों को हमारे धन से कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ हमारे प्राकृतिक भोजन से, जो मौसम के अनुसार बदलता है, वही खाना चाहिए। जैसा मैंने अपने गुरुजी से सीखा है, वैसा ही मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ गुरु कृपा से। इसलिए सारे फ्रूट जो मौसम के आते हैं वही आप खाएं। जब मौसम ना हो तो आम ना खाएं, जब मौसम ना हो तो कोल्ड स्टोरेज का खरबूजा या तरबूजा ना खाएं, जब वो आते हैं तभी खाएं। ये तो हो गई फ्रूट्स की बात। दूसरा, हम फ्रूट्स तो खाते हैं लेकिन थोड़ी मात्रा में खाते हैं और गलत समय पे खाते हैं, गलत तरीके से खाते हैं। इसको भी हमें समझना है और इसको हमें इम्प्रूव करना है। कैसे सुधार करेंगे, क्या गलती करते हैं? जैसे भोजन, हमने खाना खाया अभी 12 बजे, पेट भर के दही चावल दाल रोटी सब खाई पेट भर के, लेकिन दिमाग में ये भी चल रहा है कि फ्रूट्स भी खाने हैं। 2 घंटे या 3 घंटे बाद ही फिर हम थोड़े से फ्रूट्स काट लेते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। हम मन में तो राजी होते हैं कि हमने फ्रूट्स भी खा लिए, दाल भी खा लिया, प्रोटीन भी खा लिया, ये भी खा लिया, लेकिन शरीर पे उस चीज़ का भार ही बढ़ा, वो हमारा फ़ायदा नहीं करे। क्योंकि भोजन को, अनाज को पचने में बहुत टाइम लगता है। जो लोग साइंस पढ़ते हैं उनको पता है कि कम से कम एक टाइम का अनाज को पूरी तरह शरीर से निकलने में 16 से 18 घंटे लगते हैं। तो क्या वो अनाज 2-3 घंटे में पच के निकल गया? नहीं, वो सिर्फ थोड़ा सा हमारे पेट से निकल के हमारी छोटी छोटी आंतों में गया है। इस चीज़ को पूरा समझें। ये नहीं कि बस गुरुजी ने बोला है या हमने सुना है तो ऐसे फ्रूट्स खाने हैं या ऐसा करना है, ऐसा नहीं है। जब भी हम अनाज का कोई खाना खाएं, अनाज लें भोजन में, तो उसके बाद कम से कम 7-8 घंटे का गैप आप रखें। ये नहीं बार बार खाते रहें कि 2-3 घंटे हो गए भूख लग गई, कभी फल कभी जूस। जैसा आज भी गुरुजी ने बताया कि प्राकृतिक खाना भी अगर हम ऊपर तक भर लेते हैं तो वो हमको नुकसान देता है। इसीलिए प्राकृतिक भोजन को भी आप समय के अनुसार, अपनी भूख के अनुसार, सीमित मात्रा में, इसका मतलब परिमित मात्रा में आप उसको खाएं, जितनी आपकी इच्छा है। लालच सिर्फ पैसे का ही नहीं होता, मैंने ये सीखा है गुरुजी से, लालच खाने का भी हमको होता है कि ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा हमको एनर्जी मिलेगी, ऐसा नहीं है। आप सामने देख रहे हैं गुरुजी सुबह से बोले जा रहे हैं, क्या वो क्या खाए हैं सुबह से? क्या बहुत कुछ खाया उन्होंने? नहीं, आपके सामने इतने घंटे उन्होंने लेक्चर दिया, फिर वो दोबारा बोलने बैठ गए, फिर वो अपने काम से निकल गए। तो इससे हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि भूख के अनुसार हम जितनी हमको ज़रूरत है उतना ही खाएं। तो फ्रूट्स का मैंने बताया आपको कि मौसम के अनुसार खाएं और एक बार में एक तरह का ही फल खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। फल में ज़्यादा नमक मिर्च मसाला ये सब कुछ भी ना मिलाएं, चाट मसाला नींबू कुछ भी नहीं, जैसा वो है वैसा ही काट के और उसको चबा चबा के खाएं। इसके बाद ही आती है सब्जियों की। सब्जियों में भी जो मौसम की हैं वही सब्जी खाएं आप। और उनको कैसे बनाएं? उनको सीधा सा पहले आप वॉश कर लें सादे पानी में, 1-8 घंटे भिगो लें। आपको लगता है कि कुछ पेस्टिसाइड डाला हुआ है उसमें, तो आप उसको भिगो दें। फिर छिलके समेत, जिस सब्जी का छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है, जैसे घिया है, घिया को छिलके समेत ही बनाएं। तोरई है, छिलके समेत ही बनाएं। करेला है, छिलके समेत ही बनाएं। कोड़ा कद्दू जो सीताफल बोलते हैं उसको छिलके समेत ही बनाएं। ऐसे बहुत सारी सब्जियां हैं जो जिनका छिलका बिना उतारे हम बना सकते हैं। सिर्फ छिलका उन्हीं सब्जियों का उतारें जिनका छिलका सख्त होता है और जो चबाने में दिक्कत आए उसी का हल्का हल्का छिलका उतारें। जैसा गुरुजी बताते हैं कि छिलके में ही विटामिन मिनरल्स होते हैं, तो उसको हम ना उतार के वेस्ट करें। फिर बनाएं कैसे? उसको हम छोक लगा के नहीं बनाएं, हम सीधे कढ़ाई में डालें या कुकर में डालें, थोड़ा सा पानी डालें और उसको बॉयल कर लें। उसके बाद जब वो 80% पक जाए तब बंद कर दें गैस को या कुकर को, क्योंकि हम पता लगा था कि हाँ थोड़ा थोड़ा सीज गई है सब्जी, पक गई है। बंद करने के बाद फिर कुकर या कढ़ाई खोलेंगे, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लेंगे और टमाटर वगैरह, उसमें गोड़ा हरी मिर्च खाते हो तो हरी मिर्च, मीठी नीम, ये सब मिला के एक पेस्ट बना लें और उस सब्जी में
डाल के फिर आप वो सब्जी को खाएं, सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होगी। सारी सब्जियां ऐसे ही आप बना सकते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जी हो। ये सब्जी बनाने का हो गया, फ्रूट्स का बता दिया, अब आ गई रोटियां। रोटियां गुरु जी बताते हैं कि उसमें हम अनाज की मात्रा कम रखेंगे और सब्जी ज़्यादा डालेंगे, तो मौसम के अनुसार सब्जी पत्ते अपनी सब्जी ज़्यादा बताते हैं, क्योंकि पत्ती ही हमारी औषधि का काम करती हैं। सर्दी में घी ये बथुआ आता है, पालक आता है ना, और गर्मी में चौलाई है, क्या बोलते हैं उसको, कुल्फा, कुल्फा आता है। इनको पीस के भी चटनी बना के आटे में लगा के रोटियां बना सकते हैं। और आपको कुछ भी नहीं मिलता है रोटी में लगाने के लिए, तो घिया को पीस के मिक्सी में उससे रोटी आटा लगा सकते हैं, तोरई को पीस से उसका आटा लगा सकते हैं, ककड़ी आ रही ककड़ी का आटा लगा सकते हैं। लेकिन ककड़ी में आटा जब लगाएं आप, तो उसको आटा लगा के रखें नहीं, उसकी रोटी तुरंत बनाएं, क्योंकि वो ज़्यादा हाईली अल्कलाइन होने के कारण आटा फिर आपका पूरा फैल जाएगा, रोटी बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जब भी ककड़ी की ककड़ी को आटे में लगा के रोटी बनाएं तो तुरंत बनाएं। इसके बाद केथे का रस हम पीते हैं, अगर वो ज़्यादा बचा हुआ है हमारे पास और लग रहा है कि वेस्ट हो जाएगा है ना, तब हम क्या करें, उसका भी पीस के जूस निकाल लें और उसको आटे में लगा दें। एज इट इज सेम ककड़ी की तरह उसकी रोटी भी तुरंत बनाएं, आटे को लगा के रखे नहीं, तुरंत बनाएं। ऐसे कोई भी सब्जी बदल बदल के हम अपने आटे में लगा के रोटी बना सकते हैं। जैसे आपकी है वैसे लगा सकते हैं, ज्यादा रोटी के मामले में मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगी कि रोटी जैसे हम बनाते हैं, अगर कुछ भी नहीं मिलता है या मिलता है, पानी की जगह हम क्या करें, जैसे गेहूं है ऐसा गुरु जी कहते हैं जैसा है वैसा खाएं। आटा हम क्या कर सकते हैं, और हम जैसे कि होलसमनेस के लिए, अब हम खाली रोज गेहूं तो खाएंगे नहीं भिगो भिगो के, तो हम क्या करेंगे, जैसे गेहूं को भिगो दिए उसको अंकुरित कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सादा आटा जितना लगाना है उतना लगा लें और गेहूं को भी पीस दें मिक्सी में और उसका जो पेस्ट है उससे आटा लगाएं, तो आपको होलसमनेस आ जाएगी। क्योंकि बदल बदल के बनाएं, बच्चे भी हमेशा हरी रोटी खाना पसंद नहीं करते, बारह मास ही हमें यही खाना है, तो हमें चेंज करना है, बोर नहीं होना है अपनी लाइफ से कि यही खाना है, ये क्या सीख लिया हमने, बल्कि उसको इंटरेस्ट के साथ चेंज करना है। आपने हरा कुछ नहीं लगाया, आज आपने खाली गेहूं को पीस के उसका पेस्ट बना के उसको लगाया। ऐसे ही आप बाजरे को पीसे बाजरे के मौसम में, या बाजरे का मौसम नहीं है, थोड़ा गेहूं का लिया थोड़ा बाजरे का पीसा उसको बना दिया आटे में लगा के, ऐसे बन गए। अभी क्या बाद में मक्का आएगी, ताज़ा मक्का, उसको छीलें कद्दूकस में कस के निकाल लें उसके बीज, उसको थोड़ा सा पानी में भिगो दें, उसको पीस के मक्के की रोटी बहुत अच्छी बन जाएगी आपकी, ताज़ा मक्के की रोटी बहुत टेस्टी रोटी, जो मक्के का आटा खाते हैं उससे भी अच्छी रोटी बनती है। ऐसे मक्के की आटे की रोटी बना दें, तो बाजरे की सीख ली हमने, गेहूँ की सीख ली, मक्के की, ऐसे कोई भी अनाज, चना जैसे कहते हैं, जैसे मैं अपने घर में बनाती हूँ, कहते हैं ना बेझड़ का आटा, बेझड़ वाले तीन अनाज, एक तो गेहूँ, एक चना और एक जौ। सर्दी में जौ बहुत अच्छा रहता है, ठंडा माना जाता है, उसको घाट की राबड़ी भी कहते हैं हम लोग, बहुत बनती है हमारे राजस्थान में, तो घाट की राबड़ी लोग इतना खाते हैं जैसे कि कोई वो मतलब कोई अमृत है, इतना पीते हैं उसको, और बहुत सस्ती मिलती है हमारे राजस्थान में, तो 2 रुपये का एक गिलास, और सुबह से ही घाट की राबड़ी ठेलियों पे खूब बिकती है, जो मजदूर आदमी है वो भी उसको पी सकता है, क्योंकि 2 रुपये में 2 गिलास भी पिएगा तो पेट फट जाता है एक बार, तो आप उसका भी वो आता है दलिया बना हुआ आता है जो का, आप बनवा सकते हैं अपना, हाँ जो साफ करके चक्की पे, या फिर रेडीमेड भी आता है, उसको काफ़ी देर भिगो दें, भीगने के बाद फिर उसको राबड़ी बना के रख दे और उसमें छाछ वगैरह मिला के पतली पतली उसको पिए, तो बहुत बहुत अच्छा पिए है गर्मियों के लिए। और इसके बाद जैसे जो का आटा बता रही थी मैं आपको, जो तो पिसवाना पड़ेगा आपको है ना, और गेहूँ पिसवाना पड़ेगा, लेकिन चने को पिसवाने की ज़रूरत नहीं है, चने को वैसे ही भिगो दें, 2 आटे को लेके तीसरा उसका पेस्ट बना के उसमें आटा लगा लें, तो कम से कम एक तो संपूर्ण आहार हो गया ना, 2 तो बच गए,
जितना हो सके हम बचें और ऐसे अपने पेस को बढ़ाएं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है, सबको हमको पता है, लेकिन करते करते हमारे दिमाग में खुद ही वो चीज़ आ जाती है कि कैसे हम उसको और इन्हेंस करें, क्योंकि दो चार दिन का मामला नहीं है कि हम ऐसे नहीं कि आ गए आश्रम में चार पाँच दिन हमको फॉलो करना है हम ठीक हो जाएंगे और फिर हम वैसे ही चलेंगे। नहीं, ये ईश्वरीय ज्ञान है और इसको आजीवन अपनाना है पूरी श्रद्धा के साथ। इसमें हमारा जाता क्या है, फायदे ही फायदे हैं इससे। तो ये हमारा हो गया, रोटी हो गई, सब्जी हो गई, रोटी भी कई तरह की हो गई, सब्जी भी हो गई। अब कुछ मीठे पे आ जाती है। मीठे में जैसे अभी बच्चों के लिए बता रही हूँ, जो बीमार है वो तो अपने हिसाब से खाएंगे जितना बताया है मैंने। अब कुछ मीठा है जैसे कि मरीज तो मना करते हैं, गुरु जी बच्चे भी तो हमारे घर में हैं, मेहमान भी तो आते हैं, तो हर समय हम उनको क्या फ्रूट्स काट के देंगे तो वो हो जाएंगे इनके, जाएंगे तो कुछ ना कुछ नया बना के दें उनको, ऐसा प्रेजेंटेबल दें कि वो लगे कि उनके घर में वो चीज़ खा के आए। जैसे अभी दिल्ली से मेरा भांजा आया था, बहुत बड़ा है वो, तो अब हम क्या क्या दें उसको, चाय हम पीते नहीं हैं और उस समय ऐसा मौसम था शाम के समय, ना तो खाने का टाइम था ना कुछ पीने का टाइम था, ऐसे समय में वो आया। अब हमें किसी को आवभगत भी करनी होती है, हम मामा मामी हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास आया है, अपने ननिहाल में बच्चा आया है तो हम उसको क्या खिलाएं, और बड़ा है शादीशुदा है, छोटा भी नहीं है, ना हम उसको ट्रॉफी दे सकते हैं ना बिस्किट। अब उसको हम कुछ तो अवगत करेंगे ना। फिर हमने क्या किया, अपने आप गुरुजी की कृपा से ये मैंने एक इसकी क्या आ रहा है अभी अंगूर की खीर बनाई, खीर नाम दिया है मैंने, कैसे बनाई वो बताती हूँ आपको, बहुत अच्छी लगी। अंगूर लिए, थोड़े से धोए, उसको मिक्सी में चला दिया, चर्ण कर दिया, उसका वो पेस्ट सा बन गया, उसको डाल दिया अच्छे से बाउल में और उसी में एक या दो केला कट करके डाल दिए, उसमें एक दो खजूर भी मैंने संग में पीस लिए मीठे के लिए, उसी बिटर निकाल के और थोड़े से ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर दिया और दो मिनट फ्रीजर में रखा, वो ठंडा सा हो गया और उस बच्चे ने बहुत अच्छे से खाया और बोला मामी जी ये क्या बनाया आपने। तो फ्रूट का मैं अगर वैसे फ्रूट देती उसको तो कहते क्या दिया, एक फ्रूट रख दिया मेरे सामने, वो एक दो पीस खाता फ्रूट के नहीं खाता, भूख नहीं है, बच्चे नहीं खाते हैं और कहते हैं कुछ मामा मामी ने कुछ खिलाया नहीं। तो ये एक बड़ा उसका बाउल चला भी गया पेट में और एक अच्छी चीज़ उसको मिल गई, एक नया चीज़ उसको मिली। तो ऐसे आप बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों के फ्रेंड्स आते हैं उनको आप दे सकते हैं। ऐसे ही पपीता आता है, पपीते को भी थोड़े पीस कर लें, वैसे देंगे बच्चे थोड़ा कम अवॉइड करेंगे कि ये आंटी के पास जाते हैं ना बस ये काटते रख देते हैं, थोड़ा उसको प्रेजेंटेबल बनाएं, बच्चों को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएं ताकि वो उसको खाने के लिए भागे। पपीता है, अगर आपको अच्छा पपीता मिलता है उसको भी ऐसे ही मिक्सी में डालें, थोड़ा कच्चा नारियल गोला डालें, थोड़ी खजूर डालें उसमें, थोड़ा चर्न कर दें, फिर ऐसे ही पिस्ता है, बादाम है, कटे हुए मार्केट में मिलते हैं, कतरन मिलती है, थोड़ा सजा दें उसको, थोड़ा ठंडा कर दें और बच्चों को दें। ऐसे सेब है, इसका भी आप बना सकते हैं, ये आपके बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, इसको आप बना बना के बच्चों को बदल बदल के दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, सर्दी आती है तो हम हलवा सब खाना पसंद करते हैं, गाजर का हलवा पहले हम भी ऐसे खाते थे, दूध लाते थे बहुत सारा है ना, भैंस का लाते थे कि अच्छा गाढ़ा दूध होगा अच्छा हलवा बनेगा, फिर घिया कसते हैं, गाजर कसते थे बहुत सारी और खूब देर तक उबालते थे और घोट घोट के हाथ धो जाते थे कि आज तो गाजर का हलवा बनाया, फिर उसकी बर्फी जमाते थे, कई दिन खाते थे, वासा हो गया है ना, दूध को पूरा जला दिया। अब हम वैसे हलवा नहीं बनाते, अब हम कैसे बनाते हैं और भी टेस्टी बनता है वो थोड़ा सा आप सुन लीजिए। गाजर घसी हमने, धो के छिलका हटाया नहीं किसी भी सब्जी का, घस भी घस के सादी कढ़ाई में वैसे ही उसको जो कसी थी गाजर ढक के भाप में सीज गई, वो हल्की सी पसीज गई, वो घसी हुई तो है ही, वो पसीज गई और सीज गई। अब उसको ढक्कन को हटा देंगे, थोड़ा मीठा मिलाएंगे, गुड़ वगैरह, सर्दी में तो गुड़ चलता है और सर्दी में गाजर आती है, गुड़ मिलाया हमने, गुड़ मिला के उसको चलाया खूब खोल के, तो सारा गुड़ का पानी उसका मिक्सअप हो गया गाजर में ही और वो अच्छा सा एक गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट वैसा बन गया, हलवा सा बन गया। अब हम गैस को बंद करेंगे और एक तरफ गोले को थोड़ा सा पीसेंगे, कच्चा नारियल गोले को पीसेंगे या घसेंगे और एक सर्विंग बाउल में वो जो हमने गाजर का बनाया था कढ़ाई में गरम गरम हलवा उस पर वो डालेंगे, नारियल का जो बनाया है हमने घसा है या पीसा है उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी लाएंगे, थोड़ा पलटा पलटा कर देंगे, हल्का हल्का रेड दिखेगा, हल्का हल्का वाइट दिखेगा, ऐसे लगेगा जैसे रबड़ी मिलाई है, जैसे हम गाजर के हलवे में डालते हैं ना मावा और टेस्टी करने के लिए, उसको दूध तो डालती है फिर मावा भी डालती है, तो ये मावे का काम करेगा, देखने में इतना अच्छा लुक आता है, रेड वाइट हल्का सा मिक्स करें, पूरा मिक्स भी नहीं करें, कहीं रेड हो कहीं वाइट हो। गैस बंद है, गैस बंद है,
उसको हम सर्व करें, इसको ताजा ताजा बनाएं, ताजा ताजा ही खिलाएं, बासी ना रखें। ऐसे ही हम कद्दू आ रहा है अभी बहुत, अभी गर्मी है, गर्मी में भी कभी बच्चों का मन करता है हलवा खाने का, तो आप ऐसे ही कद्दू को भी घसें, ऐसे थोड़ा सा गुड़ या बुरा मिला के हल्का सा उसको मीठा कर ले, जब वो पानी वानी हट जाए, सूखा सूखा हो जाए, बंद कर दे। ऐसे ही कोई भी घोड़ा वगैरह या काजू वगैरह जो आपको अवेलेबल हो, काजू हो थोड़ा सा उसको पानी में डीप कर ले आधा घंटा पहले, फिर उसको थोड़ा पीस दे और उसको कर दे। अगर आपको गुड़ नहीं खाना तो खजूर डाल सकते हैं, फिर आपको ज़्यादा देर उसको करना भी नहीं पड़ेगा कलछी में, कढ़ाई में, और वो जल्दी से ही पक जाएगा, आपका हलवा रेडीमेड फटाफट तैयार है। तो ये हो गया हमारा कद्दू का। ऐसे ही घिया का बना सकते हैं आप, सेम है। अच्छा, अगर हमें आटे का ही खाना है या बच्चों को देना है, बचपन से खाते आए हैं, मन तो करता ही कभी कभी आटे का या सूजी का खाएं, तब कैसे बनाएं? उस समय क्या करेंगे, उस समय हम सूखा आटा भूनेंगे, ठीक है, सूखे आटे को भूनेंगे बिना उसमें कोई घी भी मिलाए। अगर आपके पास घी शुद्ध अवेलेबल है तो थोड़ा सा मिला लें, अगर जिसके पास नहीं है तब क्या करेंगे, कच्चा गोला नारियल पीसेंगे बहुत सारा आधा सा लेके, और गैस पे हमने आटा ब्राउन कर लिया, सेक लिया, कच्चा गोला नारियल मिला लिया, उसमें पूरा मिक्स कर लिया, और गन्ने का रस ला के रखेंगे पहले से ही मीठे की जगह, जैसे हम पानी डालते हैं वैसे ही उसको मिलाएंगे, इतना अच्छा हलवा बन जाएगा, आप वो हलवा खाना भूल जाएंगे। सूजी का खाना है, सूजी को भी सूखा भूनें, घी है थोड़ा घी डालें, नहीं है और कम मात्रा में डालें तो एक चम्मच डाल दें, थोड़ा फ्लेवर आ जाता है उसका। ऐसे कच्चा गोला अच्छा सा पीसे, बारीक पेस्ट बना लें गोले का, पता ना चले गोला है उसमें, उसी में अल्टा पलटा करके उसको जैसे घी मिक्स करते हैं वैसे उसको मिक्स कर लें, फिर पानी की जगह आपका मीठा भी हो गया और गन्ने का रस प्योर, गुरु जी कहते हैं तो गन्ने का रस आपने डाल दिया, और इतना बढ़िया हलवा लगता है, उसमें इलायची डालें फ्लेवर आ जाएगा, इतना बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो घी मिलता ही कहाँ है, तो खाते ही नहीं है, लाते ही नहीं है, लाएँ कहाँ से, देखो खूब आए लेकिन मिलता ही नहीं है तो कहाँ से लाएँ, तो हम तो इनसे काम चलाते हैं। जैसे हमेशा ये भी नहीं होता कि गोला ही गोला खाएं, कब तक खाएं, तो काजू है 10-15 काजू से शाम को सब्जी बनेगी, तो सुबह भिगो देती हूँ, शाम को उसकी ग्रेवी बना देती हूँ, बादाम भिगो 10-15 उसकी बन गई, गोले की जगह बता रही हूँ मैं, कुछ भी अच्छा बता रही हूँ तो सब्जी अच्छी बन गई, ये हो गया मीठे में। और जो आपने अब केक खाया, सबको इंतजार है उसका बताती हूँ, वो सिंपल है, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, जो बाहर के केक खाते हैं उससे तो अच्छा है। अगर आपके पास थोड़ा घी मिल जाता है तो कोई भी एक नाप ले लें, आधा कटोरी घी ले लें और आधा कटोरी ही दही ले लें, दही एकदम फ्रिज से निकाल के ना यूज़ करें, पहले उसको बाहर निकाल लें थोड़ा, वो नॉर्मल हो जाए, फिर दोनों को चलाएं, फैटे उसको, फैट के बिल्कुल पेस्ट सा बन जाएगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि घी है कि दही है, फिर उसमें डेढ़ कटोरी सूजी मिलाएं उसी नाप से, और मीठा मिलाएं, बूरा मिला दें उसमें जैसा आप खाते हैं, मैं तो कम से कम मिलाती हूँ, तो आप जितना मीठा अपना खाना चाहते हैं वैसे मीठा मिला दें, बूरा मिलाई थी मैंने, तो आप बूरा मिला लें, इसमें कोई नाप नहीं है, मैं तो कम डालती हूँ मीठा, तो थोड़ा सा मीठा हो जाए, नहीं कुछ नहीं करना रोस्ट, वो तो अपने आप रोस्ट हो जाएगी कच्ची ना, वो फूलेगी नहीं ना फिर, तो उसको कर दिया। अगर आपको लगता है मेरा पेस्ट में सूजी नहीं घुल रही, थोड़ा दूध ले लें, दूध से उसको ऐसा बनाएं थोड़ी देर वो रख दे, उसको फूल जाएगी, फूलने के बाद उसमें एक चम्मच मान लो वो डालेंगे, क्या आता है पाउडर, क्या बोलते हैं उसको, सोडा नहीं, मीठा बेकिंग पाउडर, सोडा नहीं बेकिंग पाउडर, उसको मिला के और बेक कर लेंगे, और एक घंटा पौना घंटा में केक बन के रेडी। ऊपर से आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, है ना, ऐसे कर सकते हैं। अब जिसके पास ओवन नहीं है वो बेक कैसे करेगा वो देख लीजिए, वो सुन लीजिए, कुकर में कोई भी कुकर लिया, उसमें नमक फैलाया, उस पर कोई एक जाली से रखे, उस पर प्लेट रखें, और जो आपका कंटेनर है जिसमें आपने वो गोल भरा है पहले से गर्म रखें उसको, जब रखना हो तो पहले से गर्म कर दें ताकि वो भाप बन जो गर्म हो जाए वो स्टीम से, और फिर उसको गोल को रखें और उसके ऊपर कुछ ढक दें, ढक्कन ना ढके, ढक्कन में स्टीम हो जाए वो हो जाएगा, सीटी आएगी, फिर कोई प्लेट रख दें, प्लेट पे कोई भारी बर्तन रख दें इससे हम वो इलायची कूटते जाए वो रख दें, फिर आप देखिएगा मंदी गैस पे रखें उसको, सिम गैस पे पौना घंटा में केक बन के रेडी हो जाए। हैं नहीं, इन्हें नहीं डालते हम लोग, बेकिंग पाउडर डाला है मैंने, हाँ तो ये सारी पाउडर डालती हूँ मैं, इन्होंने ज़्यादा मैं बता नहीं सकती आपको कि उसका क्या होगा, अभी ना बने तो फिर रॉन्ग हो जाएगा।
ना, पाउडर ही केक में पाउडर ही रहता है, इनो का नहीं है। जो हम ढोकले वगैरह बनाते हैं ना उसमें डालते हैं इनो। तो ये सारी हो गई रेसिपी, और आपकी कोई बात है तो बता दीजिए खाने को लेके, बाकी सब ऐसा ही है धीरे धीरे करके। सब्जी बनाते हैं गुरु जी कहते हैं, कोई भी सब्जी कोई भी रोटी। हाँ बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और आटे में हम केले की रोटी बना सकते हैं बच्चों के लिए, केला केला होता है पका हुआ ना, उसकी रोटी भी बना सकते हैं। उसके बाद नारियल कच्चा है उसकी रोटी बना सकते हैं, केक तो बताया ना वैसे था। मैं ये मना करते हैं कि हम बाहर का जो बंद बंद खा रहे हैं, कई बच्चों का मन है कुछ खाने का, पका हुआ केला है तो एक तो केला बच्चों को खिलाएं तो क्या बुराई है, कोई ऐसी बुराई भी नहीं है उसमें। आटे में लगा लेते हैं, और गुरु जी पूछ लीजिए हम तो लगा लेते हैं बच्चों के लिए, जब बच्चों का मीठा खाने का मन करता है बाहर जा रहे हैं सफर में। रोटियां जैसे बनाते हैं ना तो बच्चों को रोटियां खराब हो जाती हैं सफर में, जैसे मैं कहीं दो दिन सफर पर जाती हूँ क्या खाएंगे दो दिन के, तो घोड़े की रोटी केले की रोटी ऐसे बदल के ले जाते हैं ताकि बच्चे आराम से सफर में। मेरा मायका कलकत्ता है तो मैं जाती हूँ तो भी दो दिन तीन दिन क्या खाएंगे, केले की गोले की रोटी बना के ले जाते हैं, ये दोनों में डाल देते हैं। केले को बस वाटे में मैश कर लेते हैं, पका हुआ केला। ये आप मरीजों के लिए नहीं बता रही हैं, इसका ध्यान रखें, आप लोगों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है, लेकिन ये बच्चों का मन रखने के लिए, उनको चेंज करने के लिए भी थोड़ा सा है। हाँ जैसे बच्चे डिमांड करते हैं कुछ चेंज का हमको लगता है तो हम कर सकते हैं, ये मरीजों के लिए हमारे लिए नहीं है। हाँ मेरा तो नमक पता नहीं कितने सालों का पड़ा है, उतना ही पड़ा है वैसा का वैसा ही पड़ा है, नहीं खाने में यूज नहीं करते, उसको रख दिया डब्बे में भर के, जब भी कुछ बनाना है मुझे मैं उसी से बनाती हूँ। तो ये हो गया केक का बोल रहे थे, केक में क्या है कि मैंने बताया आधा कटोरी घी आधा कटोरी दही दोनों को एक साथ मिला के मिक्स कर ले, खूब अच्छे से 10-15 मिनट एक ही डायरेक्शन में फेंट ले उसको, फिर डेढ़ कटोरी सूजी मिलाए उसी कटोरी के नाम से, कच्ची पक तो जाएगी ना, एक बार पकेगी डबल पक जाएगी फिर तो, और फिर थोड़ा सा कम लगे आपको वो घोल तो चीनी और थोड़ा दूध मिला के उसको एक थिक वाला पेस्ट बना लें, फिर आधा घंटा रख दें सूजी फूलनी होगी, जितनी फूल जाएगी फिर उसमें ये क्या बताया था मैंने पाउडर बेकिंग पाउडर एक चम्मच नापके डाल दें और अच्छे से मिक्स करके तुरंत चढ़ा दें, बेकिंग पाउडर डाल के रखे नहीं है ना, तभी वैसे रखा रहे कोई बात नहीं, आप किसी काम में बिजी हो गए है ना, और वो रखा है पेस्ट कोई दिक्कत नहीं है, एक घंटा भी रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ उतना ही अच्छा बनेगा। अगर मान लो आपको आधा घंटा कुछ काम में लग गया आपको कोई बात नहीं, लेकिन जब आप पाउडर डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर तब मत रखिए, तब तुरंत चढ़ाइए उसको, नहीं तो फिर आपका केक बिल्कुल खराब हो जाएगा, फूलेगा भी नहीं, वो किसी काम का नहीं रहेगा, ना वो खाने लाए और ना फेंकने लाए, इसीलिए जब उसको बनाए और उसके पहले पता तो गई 5 मिनट पहले गैस जला के अपना कुकर है वो गर्म कर लिया उसको, ठीक है। और कोई किसी को पूछना